हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू चैप्टर दैट इज अल्काइन्स। तो सबसे पहले अल्काइन्स होते क्या हैं? अल्काइन्स कंस्टिट्यूट सीरीज ऑफ ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2n-2। कि क्या है ये? हाइड्रोकार्बन्स हैं जो ओपन हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, और उनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। कि अगर CnH2n-2 की अगर जितने कार्बन होंगे उनके ट्वाइस में से टू कम क्या होंगे? आपके हाइड्रोजन होंगे, जिनके हम देखेंगे आगे। तो दे कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, कि उनके बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा उनकी स्ट्रक्चर में। तो ये क्या है? आपकी अल्काइन्स होते हैं। तो इसके बाद आते हैं कि नोमेनक्लेचर की बात। नोमेनक्लेचर कैसे होगा? कि आईपीएससी सिस्टम में जो अल्काइन्स का नाम है वो क्या है? वाई एन ई एड करके लिखा जाएगा। उसके अंदर क्या हम ऐड कर देंगे? वाई एन ई, और सारे जो रूल्स हैं वो पहले जैसे ही होंगे, जैसे हमने अल्केन्स और अल्कीन्स के केस में किए हैं, कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट जो प्लेस उसको देने की कोशिश करें, और उसके बाद जो लास्ट में है उसमें वाई एन ई हम ऐड करते हैं। तो इसके बाद एक बात आती है कि इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, की कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में, देन द लोएस्ट नंबर इज असाइन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो उस केस में हमने जो लोएस्ट नंबर है वो किसको देना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम देंगे, और जो लास्ट में होगा वाई एन से हम नेम को एंड करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है जिनके हम नाम लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ के आयुपैक नेम भी होंगे और कॉमन नेम भी होंगे। कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको हम कॉमन नेम से ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाते हैं। तो जैसे ये है आपका CH3C2H2, तो ये इसका आयुपैक नेम क्या है? इथाइन। दो कार्बन है तो इथ, और लास्ट में हम क्या कर देंगे? YN, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लगा दिया। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन है। एसिटिलीन ज्यादा हमने सुना होगा। तो हम यहाँ पे जनरल फार्मूला भी लगा के देखते हैं। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? टू, और हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन भी टू। हम अपना जनरल फार्मूला देखते हैं, क्या था हमारा? CnH2n-2। तो n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 × 2 − 2, 2 × 4 − 2 कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो C2H2 क्या है हमारा फार्मूला है? किसका? इथीन का, इथाइन का। तो इसके बाद आपका अगला आता है ये, तो इसका क्या नाम होगा हमारा? प्रोपाइन, इथमिथ प्रोप और वाइन। आप इसको वन भी लगा सकते हैं, वन प्रोपाइन भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रोपाइन भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम क्या होगा इसका? मिथाइल एसिटिलीन, के जो ये एसिटिलीन हो गया आपका और ये मिथाइल है, तो मिथाइल एसिटिलीन इसका कॉमन नेम होगा। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? एलाइन बोल सकते हैं हम इसको। तो इनके कॉमन नेम्स है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है आपका वो ये है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1, 2, 3, 4। फोर कार्बन है तो ब्यूट आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा? वाइन। और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने इसको क्या नाम दिया? 1-butyne। और अगर इसका कॉमन नेम देखते हैं तो क्या होगा? इथाइल एसिटिलीन, के एसिटिलीन ग्रुप के साथ क्या जुड़ा है आपका? इथाइन, जो इथाइल ग्रुप जुड़ा है। इथाइल क्या होता है? ये क्लास है जिसमें आप क्या करते हैं, एक एच हटा के जो सिंपल आपका एल्काइल ग्रुप है वो बन जाता है। जैसे ये एल्केन का है, एल्केन से एक एच हटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो इसमें कितने कार्बन है? 2 है, तो क्या होगा? ये इथेन बनेगा, और इथेन से हमने एक हटा दिया हाइड्रोजन, तो क्या बनता है आपका? इथाइल। तो इसलिए हमने इस क्या बोला? इसको इथाइल एसिटिलीन। और कॉमन नेम क्या है इसका? अल्फा क्रोटोलीन, क्रोटाइल। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो ये है। तो इसको हम नंबरिंग किस तरफ से? 1, 2, 3, 4 इस तरफ से भी दे सकते हैं, तो भी 2 पे आ रहा है, और जब यहां से देते हैं 1, 2 तो भी डबल ट्रिपल बॉन्ड उसको सेकंड पोजीशन मिल जाए, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? किसी भी तरफ से दे सकते हैं आप 2-butyne। इस केस में अगर हम इस तरफ से नंबरिंग शुरू करते तो 1, 2, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन हमें बताया कि जो आपका प्रेफरेंस है वो जो लोएस्ट पोजिशन है उसको देते हैं, तो फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट पे आ रहा था इसलिए हमने 1-butyne लिखा। अगर आप इसको 3-butyne लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद और है, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला था, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम यहां से शुरू करते हैं फर्स्ट सेकंड,
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को सेकंड और जो ट्रिपल बॉन्ड था उसको फोर्थ पोजीशन मिलती, सेकंड और फोर्थ। लेकिन जब इस तरफ से शुरू करते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे कौन कौन से आपके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन मिल रही, तो हमें पता है फर्स्ट और थर्ड जो है आपके आप इससे क्या है जल्दी आ रहे, तो हम इस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो क्या होगा आपका पांच कार्बन है तो पेंट, थ्री पे इन और वन पे क्या आएगा आपका आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं ये, तो यहां से अगर हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो वन टू, टू पोजिशन पे आ रहा है और दूसरा कौन से पे आ रहा है टू थ्री फोर, टू और फोर पे आ रहा है। लेकिन जब इस तरफ से शुरू करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड से आ रहा है तो हम इसको इस तरफ से नाम प्रेफर करेंगे, तो क्या नाम बनेगा पांच कार्बन है तो पेंट, वन इन थ्री आयन हमारा कंपाउंड हो जाएगा, मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा। इसी तरह इसको देंगे तो क्या होगा ये आपका हेक्स वन इन फाइव आयन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हेक्स वन इन फाइव आयन हमने जो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी है। तो ये कुछ कंपाउंड है, इनको अब क्या करेंगे, अब लिखते हुए आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद खुद से एक बार इसको लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपना आंसर मैच करेंगे कि आपका क्या आता है। तो ये आपका एक और भी है, तो यहां इसको हम कैसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वन टू, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं टू जो सब्स्टिट्यूएंट है यहां से शुरू, वन टू थ्री फोर, फोर पे आ रहा है लेकिन इस तरफ से शुरू कर रहे हैं तो सेकंड पे आ रहा है। दूसरा यहां से क्या है जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी पोजीशन जल्दी मिल रही है, तो हम यहां से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरफ से तो एट बन रहा है, अगर इसको इस तरफ से करते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हमें पता है हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने, तो हम कौन सी करेंगे स्ट्रेट वाली जिसमें आठ कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हमारा वन टू थ्री फोर फाइव। अब फाइव पे क्या है आपका इथाइल है और थ्री सेकंड पे क्या है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता तो हम क्या करेंगे फाइव इथाइल टू मिथाइल ओक्ट, आठ कार्बन के लिए ओक्ट लगाया, वन टू थ्री, थ्री पे क्या आ जाएगा आयन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिसके हमने नाम लिख के देखे हैं, जिनको कोशिश की है। इसके बाद आती है एक टर्म एल्केनाइल ग्रुप। एल्केनाइल ग्रुप क्या होती है, जैसे हमने एल्केन के अंदर एल्काइल पढ़ा था वैसे ही एल्काइन्स के अंदर क्या होगा एल्केनाइल होगा। द मोनोवेलेंट ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन आर नोन एज एल्केनाइल ग्रुप, कि जो आपका एक ट्रिपल बॉन्ड जो आपका एल्काइन ग्रुप था उसके अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो उसके बाद जो आपका मॉलिक्यूल बचता है उसको आप क्या बोलेंगे एल्केनाइल ग्रुप बोलेंगे। तो दे आर नेम्ड एज रिप्लेसिंग द फाइनल ई ऑफ द नेम ऑफ द एल्काइन बाय वाईएल, कि जो उनका नाम है उसमें आप एल्काइन में से ई को काट के वाईएल लगा देंगे। देखते हैं हम यहाँ पे, तो जैसे ये था कि क्या था हमारा इथाइन था, क्या बनता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये क्या होता है हमारा इथाइन होता है, तो हमने क्या केस के अंदर से एक एच हटा दिया तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी बचता है और ये क्या हो जाएगा इथाइन ई काट के हमने वाई एल लगा दिया है इथाइनाइल हो गया। ऐसे ही आपका क्या था ये प्रोपाइन था वन या वन प्रोपाइन था तो उसमें से हमने एच हटा के क्या लगा दिया प्रोपेनाइल, तो ये आपका क्या है एल्केनाइल ग्रुप आता है। इसके बाद क्या आएगा एल्काइन्स शो चेन पोजिशन फंक्शनल एंड रिंग चेन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कि जो आपके एल्काइन्स है वो चेन टाइप का आइसोमेरिज्म, आपका पोजीशन डबल जो ट्रिपल बॉन्ड उनकी पोजीशन में चेंज आके फंक्शनल एंड रिंग चेन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जो डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म है उनको शो करते हैं। दूसरी बात क्या है ड्यू टू लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम, हमें पता है कि हमने देखा है इनकी कैसी है लीनियर स्ट्रेट चेन है स्ट्रेट है, तो ड्यू टू लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अटैच टू ट्रिपल बॉन्ड, की ट्रिपल बॉन्ड से क्या है आपके लीनियर एटम अटैच होने की वजह से एल्काइन डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, सिस ट्रांस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है वो नहीं दिखाते हैं जैसे आपके एल्किन शो कर रहे थे। इसके बाद आता है इसमें दो टर्म्स और आते हैं आपकी टर्मिनल एल्काइन्स और आपकी नॉन टर्मिनल एल्काइन्स, तो पहले बढ़ते हैं टर्मिनल एल्काइन्स, तो टर्मिनल एल्काइन्स कौन से होते हैं नाम से पता लग रहा है टर्मिनल जो एंड पोजिशन पे होगा, तो देखते हैं एल्काइन्स हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड ऑफ कार्बन चेन आर टर्म्ड एज टर्मिनल एल्काइन, जो एल्काइन्स हैं उनके
जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एंड में होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कार्बन चेन के बिल्कुल एंड में, यहाँ पे जो है तीन कार्बन के बिल्कुल एंड में है, तो वो कैसा है आपका टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा आपका, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या होगा, व्हेन द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट समवेयर इन द मिडल ऑफ द चेन, की भी जो चेन है उसके मिडल में प्रेजेंट होगा, द एल्काइन्स आर नोन एज नॉन टर्मिनल एल्काइन, के उस दौरान हम उनको क्या बोलेंगे एल्काइन्स को, नॉन टर्मिनल एल्काइन्स। एग्जाम्पल है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये हमने देख लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में है एल्का, जो एल्की जो चेन है उसके ट्रिपल बॉन्ड उसके बीच में, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, नॉन टर्मिनल एल्काइन्स नाम दिया।